सफल हो गई। आज बीजेपी का 44वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। बड़े बड़े आयोजन के तहत पीएम के संबोधन से लेकर देश में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। साल 1980 में आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई थी, जिससे पहले इसका नाम जनसंघ था, जिसका 1977 में जनता पार्टी में विलय हो गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी हनुमान जी के प्रेरणा लेती है। बीजेपी पार्टी 6 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस से 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी और इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के फायदे को उजागर करने के लिए बूथ, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। पार्टी के 44वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी बोले, ऐसा कोई भी काम नहीं जो पवन पुत्र नहीं कर सकते। नमस्कार। कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, पार्टी के अन्य सभी पदाधिकारीगण, देश विदेश में उपस्थित भाजपा के कोटि कोटि कार्यकर्ता देवी और सज्जनों, आज हम सभी अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। मां भारती की सेवा में समर्पित प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाजपा की स्थापना से लेकर आज तक जिन महान विभूतियों ने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है, पार्टी को संवारा है, पार्टी को समृद्ध किया है, पार्टी को सशक्त किया है, देश के कोटि कोटि जनों की आवाज को बुलंद किया है, उन सभी को, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के वरिष्ठ पद पर से पार्टी की और देश की सेवा करने वाले सभी महानुभावों का मैं आज शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। साथियों, आज हम देश के कोने कोने में भगवान हनुमान जी की जन्म जयंती मना रहे हैं। बजरंग बली के नाम का घोष चारों तरफ गूंज रहा है। हनुमान जी का जीवन, उनके जीवन के प्रमुख प्रसंग आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देते हैं, पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते हैं और हमारी सफलताओं में कहीं कहीं उन महान शक्ति के आशीर्वाद प्रतिबिंबित होते हैं। हनुमान जी के पास असीम शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल वो तभी कर पाते हैं जब स्वयं पर से उनका संदेश समाप्त होता है। 2014 से पहले भारत की भी तो यही स्थिति थी। अथाह सामर्थ्य से भरपूर
लेकिन अनेकों से घिरा हुआ देश का नागरिक आज भारत उस बजरंग बली की तरह से उस बजरंग बली की महाशक्ति की तरह अपने अंदर सुप्त शक्तियों का आभास कर चुका है। आज भारत समंदर जैसी विशाल चुनौतियों को पार करने, उनका मुकाबला करने में पहले से कहीं ज्यादा सक्षम है। हनुमान जी के ऐसे ही कई गुणों से हम सभी भाजपा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी निरंतर प्रेरणा पाते हैं। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। इदं रामाय इदं नमः, यही तो भाजपा की प्रेरणा है। इदं राष्ट्राय इदं नमः।